तो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस, आज हम चेकआउट करने जा रहे हैं अपनी आर्मरी, यानी कि इन्वेंटरी भी बोल सकते हो तुम लोग। तो आज हम चेकआउट करेंगे कि हमने कौन कौन सी स्किन्स यहाँ पर, स्किन्स कह रहा हूँ मैं यार, स्किन्स दिमाग में घूमता रहता है, खैर छोड़ो, कौन कौन सी गन्स हमने यहाँ पर अपनी मैक्स कर ली है और कौन कौन सी गन्स हमारे यहाँ पर रह चुकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हैंड गन्स की तरफ छोड़ के सबसे पहले हम चलेंगे राइफल्स में। एंड मेरा मन है कि मैं अपनी राइफल यानी कि AK-47 को तो मैं अब यहाँ पे अपग्रेड करूँगा, क्योंकि बाकी सारी गन्स जैसे कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हो बहुत ज़्यादा महंगी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई अपनी राइफल है ना अपनी AK, तो भाई AK को थोड़ा अपग्रेड कर लेते हैं। बहुत से लगते हैं मेरे को चलाने में भी, उसका साउंड भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो फिर यहाँ पर और बाकी चीज़ें यार मेरे को करनी नहीं है, तो यहाँ पर हमने AK-47 कर लिया। एंड भाई साहब बहुत ज़्यादा पैसों की हो गई, यहाँ पर 9 लेवल की हो चुकी है एंड 10 लेवल की हो जाएगी आई थिंक अपग्रेड करने के बाद। एंड इधर हम इसे छोटी गन भी कर दी टावर नाम की। एंड यार शायद मत दिखाओ। एंड अभी देखते हैं भाई, देखो यार कोई बैटल पास वगैरह तो आने वाला है नहीं इसके अंदर, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि भाई अपनी गन्स को ना पूरा मैक्स आउट कर लेते हैं एंड बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो आज से हमारा टारगेट है सारी गन्स को मैक्स आउट करने का। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कौन कौन सी गन्स मैक्स आउट होने के लिए रह चुकी हैं। तो गाइज हमने तो यार देखो गिनी चुनी गन्स कर रखी है। मैग्नम जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, मैग्नम यार सबसे कसम से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मेरे को टेक9 भी करनी है क्योंकि मेरे को डुअल टेक9 भी चलानी, क्योंकि डुअल टेक9 इज ओपी गाइज, क्योंकि अंडरग्राउंड मैप के अंदर तुम लोग को याद है टेक9 मिलती है, तो यार अंडरग्राउंड मैप के अंदर चलाऊंगा ये ऑब्वियस सी बात है। सो SMG आई थिंक SMG तो मेरी फुल्ली अपग्रेडेड है, एक बार चल के देख लेंगे। एंड यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, ओके तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो SMG यहाँ पर मेरी गाइस फुल्ली अपग्रेडेड है, इसमें कोई भी छेड़खानी करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। मैं मतलब भाई कसम से बहुत ज़्यादा टाइम लगा था इन दोनों चीज़ों को मैक्स करने में। एंड यहाँ पर अभी हम चलेंगे एंड तुम लोग देख सकते हो भाई फायरिंग रेट एंड बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे चल के कुछ इस तरह की वीडियो बनाएंगे कि हम कंपेयर करेंगे मैक्स लेवल की गन को एंड साथ ही साथ लेवल 1 की गन को, एंड देखते हैं भाई के भाई कितना अंतर बैठा रखा है निमिल्स वालों ने इन गन्स के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे चल लेते हैं राइफल्स के अंदर एंड देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी गन कहाँ तक अपग्रेड है। तो लेवल 9 तक तो है, लेवल 9, लेवल 7, 9 एंड 6 की है ये। ओके, मेरे को लगा था भाई मैंने ज़्यादा अपग्रेड कर ली, लेकिन ये तो भाई बहुत ही कम अपग्रेडेड है। खैर छोड़ो भाई, अपनी यहाँ पर AKM हो जाएगी ना एक बार लेवल 10 की हो जाएगी। मैं अब सोच रहा हूँ कि सबसे पहले अपनी AKM को करूँगा, क्योंकि फिर राइफल के अंदर मेरी एक मैक्स गन यहाँ पर मिल जाएगी। एंड AR-15 यहाँ पर अपग्रेडेड नहीं है इतनी खास, तो हम इसे बाद में करेंगे। एंड यहाँ पर पंप एक्शन शॉट गन हो चुकी है लेवल 7 की। एंड यहाँ पर AA-12 है 6 लेवल की। यार मैं A12 यूज़ तो करता हूँ नहीं, खैर छोड़ो इसको हम लास्ट में देखेंगे है ना। एंड पंप एक्शन शॉटगन की बात रही, अब मैं डुअल गन्स खेलने लगा हूँ, तो यहाँ पर मेरे को लगता नहीं मेरे को पंप एक्शन शॉटगन को अपग्रेड करना चाहिए। कोई नहीं, इसको भी हम बाद में देख लेंगे। एंड यहाँ पर हम आ चुके हैं स्नाइपर के सेक्शन में। एंड M14 यहाँ पर भाई साहब मैंने लेवल 11 की कर दिया है, लेकिन हमारी M93 भी है यानी कि मेरी मेन स्नाइपर भाई साहब यहाँ पर लेवल 8 की बड़ी है अभी भी। लेकिन भाई तुम लोग इसका प्राइस देख रहे हो 24,000 में भाई साहब वो अपग्रेड हो रही है, तो इसलिए उसको बाद में करेंगे। तो यहाँ पे फ्लेम थ्रोवर लेवल 6 है, ग्रेनेड लॉन्चर में चलाता हूँ नहीं तो लेवल 3 का ही पड़ा है यहाँ पर। फसार मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन लेवल 5 की मैंने कर रखी है पता नहीं क्यों, मेरे को कोई सीन नहीं है फसार को एकदम एंड में देखेंगे। EMP गन भी मैं नहीं चलाता भाई, इतनी सारी गन से जो मैं नहीं चलाता हूँ यहाँ पर, लेकिन फिर भी चलो यहाँ पर लेवल 6 की हो चुकी है। लेवल 8 की रॉकेट लॉन्चर है, लेवल 6 की अपनी मिनी गन है। अपना कटर के लिए मेरे को कार्ड्स और चाहिए, क्योंकि मैं कटर को यार इतना सारा प्यार देना चाहता हूँ कसम से, उसको लेवल 10 छोड़ो 100 का कर दूंगा भाई। एंड यहाँ पर मशेटे लेवल 1 और फुल्ली अपग्रेडेड तो यार सबका रहता ही है। तो ओके, तो यहाँ पर हमारी तुम लोगों ने ये चीज़ तो देख ही ली है। एंड देखते हैं भाई, अभी मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले अभी हमारा फोकस रहेगा कि हम AK को अपग्रेड करेंगे सबसे पहले, एंड उसके बाद मैं अपनी स्नाइपर के ऊपर फोकस करूंगा, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, क्योंकि उसका क्लिप साइज भी बढ़ेगा स्नाइपर का। एंड ऑल्सो यार आई थिंक शॉट्स शायद 6 हो जाते हैं उसके अंदर, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन 5 तो हो चुके हैं इतना मैंने नोटिस करा है। तो अभी देखते हैं भाई क्या ही सीन होने वाला है। तो कोई नहीं, हम अपग्रेड्स करते रहेंगे, सीरीज ये वाली कल से स्टार्ट हो जाएंगी। तो गाइस कॉन्स्टेंटली अब वीडियोस आने वाली हैं, तो बिल्कुल भी फिक्र मत करना। एंड गाइस अगर आप सब लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो ऑल्सो वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना। एंड गाइस इसी के साथ फिलहाल मैं चलता हूँ, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वाला चल कोई जदू रात कर, मैं सब कुछ हार तेरे तो दऊंगा, सब कुछ वार तेरे तो दऊंगा, आखिर च जान तेनू दऊंगा।